होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील की उपनगरी बानापुरा में भी कोरोना की आहत हो चुकी है। सिवनी मालवा नगरीय क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 रैदास वार्ड पाठक कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद सिवनी मालवा और बानापुरा क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पाठक कॉलोनी का उक्त व्यक्ति तबीयत खराब होने के बाद 10 जुलाई को सिवनी मालवा के एक चिकित्सक के यहां इलाज कराने पहुंचा था। इलाज के बाद व्यक्ति अपने घर वापस आ गया था। 14 जुलाई को एक बार फिर व्यक्ति की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उसे सुबह करीब 3 बजे होशंगाबाद ले जाया गया, जहां होशंगाबाद के एक निजी नर्सिंग होम में व्यक्ति का इलाज हुआ, लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण उक्त व्यक्ति को अस्पताल की एम्बुलेंस से भोपाल के चिरायु हॉस्पिटल में भेजा गया, जहां व्यक्ति का इलाज चल रहा है। उसका कोरोना सैंपल भी लिया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सिवनी मालवा का प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। गुरुवार की सुबह स्वास्थ्य विभाग का अमला बानापुरा की पाठक कॉलोनी में पहुंचा, जहां व्यक्ति के परिजनों की स्वास्थ्य जांच और थर्मल स्क्रीनिंग की गई। थर्मल स्क्रीनिंग में परिवार के कुछ लोगों का टेम्परेचर ज्यादा पाया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में ज्यादा सतर्कता बरतना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग पूरे परिवार का सैंपल लेने की तैयारी में जुट गया है। जिस व्यक्ति को पॉजिटिव रिपोर्ट आई है वह युवक 20 जून को पूरे परिवार के साथ इटारसी में अपने किसी रिश्तेदार के शादी में शामिल होने दीवान कॉलोनी गया था। माना जा रहा है कि उक्त व्यक्ति वहीं से कोरोना वायरस संक्रमित होकर आया है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अब व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुटा हुआ है। इतिहास के तौर पर पूरे मोहल्ले को सील का कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। क्या मामला है और किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? अभी जो हम लोग इन्फॉर्मेशन मिली थी, एक व्यक्ति है जो हमारे इधर बानापुरा में, इनका इलाज चिरायु हॉस्पिटल भोपाल में चल रहा है। वहाँ पर उनकी सांस की तकलीफ हुई थी, सांस की तकलीफ के लिए उनका कोविड टेस्ट कराया जो कि पॉजिटिव निकल रहा है। तो उस चीज की पूरी हिस्ट्री इनसे ली गई है कि इनके पास में हिस्ट्री इन्होंने जो दी है उस हिसाब से ये 26 जून को इटारसी एक शादी में गए थे शामिल होने के लिए। वहाँ से आने के बाद में थोड़ी बहुत इनको तकलीफ रही है, उसके पश्चात जब ज़्यादा तकलीफ हुई है तो इन्होंने यहाँ पर लोकल में एक चिकित्सक को दिखाया है। उन चिकित्सक को दिखाने के पश्चात ये गए हैं होशंगाबाद। होशंगाबाद में दिखाने से होशंगाबाद से फिर इनको रेफर किया गया है भोपाल के लिए। भोपाल में ये भी वहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। तो उनकी पूरी फैमिली से उनकी बाकी की कॉन्टेक्ट हिस्ट्री हम लोगों ने निकाल लिए और उसके बाद में इस एरिया को कंटेनमेंट जोन हम लोग बना रहे हैं। उसके बाद में हम बाकी सैंपल लेंगे इनकी फैमिली के, जो फर्स्ट कॉन्टेक्ट के लोग हैं उन सभी के सैंपल कराकर आगे की कार्रवाई उसके पश्चात की जाएगी।